और अब रुख कर रहे हैं अगली खबर का, जो कि अमरोहा से आ रही है। अमरोहा की सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सलीम खान ने पुलिस वालों को वर्दी उतरवाने की धमकी दी और ये पूरा वाकया कैमरे पर कैद भी हो गया। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। दरअसल सलीम खान अपने समर्थकों के साथ बिना इजाजत लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। जब पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची, रोकने की कोशिश की और उस दौरान पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। अब जब पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी तो तैश में आए हुए कांग्रेस के प्रत्याशी सलीम खान ने कैसे धमकी दी, देखिए। यहाँ पर ये ये तो बोलने वाली जनता है, पुलिस के छल्ले अपना भाग रही है, वो तो मुंह दुबकाते फिर रहे हैं। आप डंडे निकालिए, इसीलिए पुलिस के साथ में है। ये तो बोलने वाली जनता है, पुलिस के छल्ले अपना भाग रही है, वो तो मुंह दुबकाते फिर रहे हैं। आप डंडे निकालिए, इसीलिए पुलिस के साथ में है। विपिन देखो सुनो, यहाँ पर ये चुनाव है, अगर आप धमकाओगे ना तो जनता बहुत बहुत उल्टा कोई बात नहीं। देखो सुनो वकील साहब, जो आचार संहिता का उल्लंघन करेगा खोल के रखो। ये वादी नहीं है तुम्हारी, पुलिस की वादी नहीं है। वर्दी है परमिशन हम दिलाएंगे कोर्ट में, लिखो परमिशन, हम तुम्हारे खिलाफ भी लिखवाएंगे, क्योंकि मुकदमा तुम गोरखपुर में भी अगर पोस्टेड होगे या होगे तारीख में, इन गरीब जनता के तो मुकदमे लड़ी रहे। हमने पहले भी लड़ा है, ढाई सौ में भी लड़े और अब भी लड़ेंगे। जाओ हम लड़ लेंगे, तुम देखना क्या नहीं मान रहे, क्या नहीं मान रहे, क्या चाह रहे, क्या नहीं मान रहे। तुमने पता तो नहीं मारना, बात करी तुमने, बात करी है तुमने, हाथी डंडे मारने शुरू कर दिए। अब आप नहीं मान रहे तो आपके खिलाफ लिखा जाएगा मुकदमा। इन तस्वीरों में आप देख और सुन पा रहे होंगे कि पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आचार संहिता का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सलीम खान इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि ये तक कह डाला कि अगर मैं एमएलए बन गया, सरकार चाहे जिसकी भी हो, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। सुनिए इस पर पुलिस क्या कह रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि सहसपुर गांव में एक पार्टी के संभावित प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। थाना डिडोली क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि सहसपुर गांव में एक पार्टी के संभावित प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जिनमें उनके द्वारा एक चुनावी सभा तथा नारेबाजी की जा रही है। इस संबंध में थाने पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 17 लोग नामजद किए गए हैं, जिनमें संभावित प्रत्याशी सलीम तथा उनके अन्य समर्थक हैं। इसके अलावा 50-60 अन्य समर्थकों के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आमिर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। धमकी देते हुए ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सलीम खान, जो पुलिस वालों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं एमएलए बन गया तो तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। पुलिस का ये कहना है कि सूचना मिली थी कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, बिना इजाजत के प्रचार प्रसार हो रहा है। आमिर ये बिल्कुल सही बात है, और ये इस तरह की दिक्कतें तमाम दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश में आ रही है, देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के इस संभावित उम्मीदवार ने हरकत की है पुलिस को धमकाने की, वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है, क्योंकि इस मजबूरी में कि चुनाव आचार संहिता भी लगी हुई है और साथ ही साथ कोविड की वजह से नए नियम बना दिए गए हैं चुनाव आयोग की वजह से, तमाम नेता और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं जिस रूप में करने की उन्हें आदत थी। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस नेता है सलीम खान, ये सीधे तौर पर भिड़ गए हैं पुलिस से, और जबकि पुलिस ने इनको जब ये प्रचार कर रहे थे और इन्होंने नियम के विरुद्ध बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर रखी थी, उसके वीडियो भी बना लिए, उसके बावजूद ये पुलिस से भिड़ गए और धमकियां देने लगे और कहने लगे कि विधायक बनने के बाद वो पुलिस को देख लेंगे, चाहे ये पुलिस वाले कहीं भी हो, चाहे मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र और गृह क्षेत्र गोरखपुर के ही क्यों ना हो। तो जाहिर सी बात है एक मुकदमा दर्ज किया गया है, 50 लोगों जी। आमिर शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।